Assalamualaikum, welcome back to my channel. Another day, another vlog, another morning. और आज सुबह से आगाज़ हो रहा है. अल्लाह सबकी हिफाजत करे, अल्लाह सबके बच्चों की हिफाजत करे, जो लोग मुश्किलात में हैं, जो हमारे मुसलमान बहन भाई मुश्किलों में हैं, अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान करें और हर किसी को आसानियाँ अदा करें. आमीन सुम आमीन. अभी हम लोग आ गए स्कूल और आज थोड़े से अर्ली आ गए, क्योंकि हमेशा इसी तरह होता है कि बस बहुत लेट होती है अगर थोड़े से लेट निकलो तो. आज फिर मैं अर्ली आ गई थी और ये इनके ना स्कूल की कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है, तो इस वजह से बाय बाबा. तब मैं यहाँ से फिर चल के जाऊँगी अम्मी के घर. मैंने जा रहा है उनकी फ्रिज देखनी है और फिर वहाँ से जाऊँगी घर. तो आज ना सब कुछ अर्ली अर्ली होगा, ज़्यादातर नहीं बैठूँगी. नींद नहीं पूरी हुई मेरी आज. अब ना सर्दी पड़ना शुरू हो गई है, ज़ाहिर है अक्टूबर मिडिल में है और फॉल का सीज़न चल रहा है यहाँ पे, लेकिन आज सर्दी ज़्यादा है और मोस्ट ऑफ कह लें कि मोर देन 50% पीपल जो है ना आज जैकेट यूज़ कर रहे हैं. मैं भी जैकेट ही लगा के आई हूँ आज, क्योंकि ये जो सर्दी होती है ना ये ज़्यादा ख़तरनाक होती है, इसमें ठंड लग जाती है. ये जैसे कि हमेशा मैं आप लोगों को कहती हूँ, आज तो खैर मैंने ना अब सुबह अर्ली अपना वर्कआउट किया था अपनी मशीन पे, और अब मैंने कहा कि जब भी ना मतलब दिन में 3 दफ़ा हुआ तो 3 दफ़ा वर्कआउट किया करूँगी. घर में पड़ी हुई है एक्सरसाइज मशीन, लेकिन होता यही है कि जब कुछ चीज़ घर में पड़ी हो ना तो उसका इस्तेमाल बहुत कम होता है. सो अब मैं कोशिश करूँगी कि डेली ना 2 घंटे की एक्सरसाइज हो और देखिए क्या होता है, इरादा तो इसी तरह. तो अब ना मैं आपको फ्रिज दिखाती हूँ. ये फ्रिज बेसिकली ऑलमोस्ट लाइक $3000 का है और ये लेटेस्ट है, ठीक है. इसमें ये कि इस साइड पे देखिए एक जग है, फिल्टर वाटर है और इसके साथ साथ आइस भी यहाँ से निकलती है. सो ये इसका फीचर बहुत ज़बरदस्त है. अच्छा वैसे भी देखिए इसके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा है, काउंटर्स बहुत ज़्यादा है, अलहदा से वेजिटेबल्स रखी जा सकती हैं, फूड. और नीचे पे 2 डोर जो हैं वो फ्रीज़र के हैं, ये साइड आइस वाली है. अच्छा यहाँ पे आइस अगर ऊपर बनती है तो बना के रखते हैं, और इस साइड पे मीट वगैरह है, नीचे भी मीट के बॉक्सेस हैं. तो स्पेस के लिहाज से या आपके खूबसूरती के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है. हैंडल्स नहीं है इसके, इस तरह से नीचे से आप ना उसको ग्रिप है उसको पकड़ के, तो ये भी बहुत आसान है. समटाइम्स आपके जो फ्रिज के हैंडल्स होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं. और टाइगर पहले बिल्कुल नहीं मेरे पास आ रहा था, जब कल हमारे घर में आया था तो मैं ना इसको बुला रही थी, बिल्कुल इग्नोर कर रहा था मुझे. लेकिन अभी आराम से ना जब मैंने इसको इग्नोर किया तो मेरे पास आ गया टाइगर और बहुत प्यार से बैठा हुआ था. लेकिन ना अब जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है ना, इसकी एक चीज़ है कि वो ना गोद में नहीं आना चाहता. मतलब होता है ना कि आप इसको होल्ड कर रहे हो या जिस तरह आप इसको कैरी करते हो तो वो उस चीज़ में नहीं आता, लेकिन मेरे जूते के पास सुकून के साथ ना वहाँ पर बैठा हुआ था और मिनी ऊपर जाके रिलैक्स कर रही थी. तो कैट्स भी जो है इसका भी बहुत दिल लगता है, स्पेशली अब जब हमारे घर आता है तो इसको इतना मुश्किल होता है ना इसके कैरियर, वो आप देख रहे होंगे साइड पे जो कैरियर पड़ा हुआ है ना, कैरियर के अंदर इसको डालना इतना मुश्किल हो जाता है. मतलब बिल्कुल इस दफ़ा तो हमज़ा ने ना बहुत मुश्किल से इसको ना उसके कैरियर के अंदर रखा, तो मैंने कहा हमज़ा वो तुमसे इतना प्यार करता है तो तुमने उसको इस तरह से डाल दिया, कहते हैं मम्मा आई हैव टू, उसने घर जाना है, तो इस वजह से ना तो बहुत अच्छा लगता है. आई डोंट नो आपको कैसा लगता होगा, बट आई रियली लव कैट्स और मेरा तो दिल करता है टाइगर भी मेरे पास ही आ जाए. अब जी यहाँ पे ये मैंने बनाई थी जी बटर चिकन बोटी, बहुत आसान सी थी. प्याज ब्राउन करके, अदरक लहसुन डाल के, उसके अंदर टमाटर भी फ्राई करके, ठीक है. फिर उसके अंदर मैंने साबित गरम मसाला डाला था, अच्छा ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, अच्छा कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी, पिसी हुई लाल मिर्च डाली थी, नमक डाला था और फिर बस उसके अंदर बोटियाँ डाल दी थी. और ज़्यादा सारा ना ऑलिव ऑयल भी मैंने डाला था और उसके अंदर बटर भी डाला था, और बटर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आया था. अगर यहाँ पर आपके पास क्रीम हो तो एंड पे क्रीम भी डाल दें, लेकिन क्या हुआ था कि लास्ट मंथ मेरी कुछ क्रीम ना ख़राब हो गई थी, तो अब मैं थोड़ा क्रीम लाते हुए भी डरती हूँ कि ख़राब हो जाएगी. वेस्टिंग किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती, और आजकल के जो हालात हैं इतनी ज़्यादा महंगाई है ना कि एक एक चीज़ सोच समझ के लेनी पड़ती है. और जिन लोगों का होता है कि फूड स्टैम्प है तो वो तो मार्केटिंग इस तरह कर रहे होते हैं कि बस, लेकिन नहीं है तो फिर हम लोग
मैं तो फिर अब सोच समझ के चल रही हूँ, लेकिन बच्चों ने जो चीज़ बच्चों की फेवरेट होती है, क्योंकि मैंने पैसों से लेके आनी होती थी, इस वजह से फिर मैं वही लेके आती हूँ और फिर मैं चीज़ें जो है वो ज़ाया नहीं होने देती, और जो चीज़ उनकी फेवरेट्स होती हैं वो लेके आती हूँ और वो पसंद भी करते हैं वो फिर चीज़ें। अब जैसे आज था कि बच्चों का बहुत दिल कर रहा था कि ना आइसबर्ग लेटस जो होती है उसका सैलड हो, तो उसमें कैप्सिकम है, जिसमें टमाटर हैं, खीरे हैं, तो सारी जितनी वेजीज है उसके अंदर, गाजर है, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, लेमन, और उसके अंदर ना सीजनिंग दूसरी ऐड की है जो कि बच्चे पसंद करते हैं, सूखी हुई लाल मिर्च है, तो वो उनको बहुत ही पसंद है, बच्चे सैलड बहुत शौक से खाते हैं। अब मैं बना रही थी जी, मैंने नैप, मैं तकरीबन 2-3 घंटे की नैप ली है, फिर मैं अब उठी हूँ और अब मैं बना रही हूँ चाय। चाय 2 कप ही बननी होती है और पूरा दिन में ये 2 कप चाय बन रही होती है। अब मैं लेके आती हूँ अपनी पैंट्री से, ये मैंने साइड पे ना इसको क्या कहते हैं आप, एप्रन लटकाया हुआ है, लेकिन कभी यूज़ ही होता ना, कि मेरे हस्बैंड मुझे इतना कहते हैं कि जब तुम कुकिंग करती हो तो एप्रन यूज़ किया करो, अच्छा जब तुम बर्तन धोती हो तो तुम ग्लव्स यूज़ किया करो, ये दोनों चीज़ें मेरे पास पड़ी होती हैं। लेकिन बस जी, चावल आज मैंने ना इसके अंदर कंटेनर के अंदर डाल के सामने यहाँ पे रखे थे, और मीना प्याज़ों से भरी हुई है बास्केट, और मीना उसके अंदर ना घुस नहीं सक रही, तो ये देखें जी, ये ना डब्बा खाली हो गया था दानों का, तो मैंने सोचा कि चलो इसी के अंदर ना चीनी डाल देते हैं, चीनी उसके अंदर थी, जो नहीं होता चीनी का पैकेट होता है उसके अंदर था, तो मैंने इसके अंदर भी डाल दिया, तो अब ये यूज़ करूँगी। एक एक चम्मच, जैसे कि आपने देखा, एक खाने का चम्मच ही चीनी और तकरीबन 1.5 चम्मच होगा दूध जो है ना, ये दूध, इसकी चाय बहुत अच्छी बनती है, हमेशा मैं आपसे कहती हूँ, आई डोंट नो, अगर आप यूज़ टू हो जाएं तो फिर आप, जैसे एवरीडे की टी होती है ना बहुत मज़े की होती है, इसी तरह दानों जो है उसकी टी भी बहुत मज़े की होती है। और मैं किचन लंच के बाद मैं साफ़ करके ही सोती हूँ, जैसे कि आप मेरे अगर व्यूअर हों तो आपको पता है मैं हमेशा काउंटर साफ़ रखती हूँ और मेरी कोशिश होती है, लेकिन ना आपको जैसे ये नज़र आ रहा होगा छोटे छोटे रोचिस के बच्चे, और मुझे जाना है, इसके बावजूद देखें वाइट है तो ऊपर नज़र आ जाता है, तो अब मुझे जाना है होम डिपो, वहाँ से मैं कुछ मेडिसिन स्प्रेज वगैरह लेके आऊँगी, क्योंकि जो मेडिसिन अम्मी ने मुझे दी है वो बिल्कुल वर्क नहीं कर रही और मैं बहुत परेशान हूँ ये रोचिस लेके ना, लेकिन बहुत हद तक कम हो गई हैं, बहुत हद तक। और सबसे मेन चीज़ ये है कि सफाई रखती हूँ तो उसकी वजह से तो और भी कम हो जाती है, बिकॉज़ वो ज़्यादा फूड की तलाश में होते हैं कि कहीं उनको कुछ खाने को मिल जाए, और फिर उससे जो है रोचिस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। तो चाय बन गई थी यहाँ पर, और मैंने सोचा कि मीना मेरे पीछे पीछे चल रही थी, तो इनको फूड दे दूँ, वेट फूड, अभी नाइट टाइम में अब इनको मैंने वेट फूड दिया है, और इसके बाद अब इनको पानी होगा, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल के रख दूँगी, लेकिन ओवर अब इनका डिनर हो जाएगा तकरीबन, अभी रात के 9 बज रहे हैं, तो इसके बाद फिर इनको ना रिलैक्स होना है, और कोई खाना शाना इन लोगों ने नहीं खाना, फिर सुबह अपना ब्रेकफास्ट ये करेंगे। और मिंसा की फरमाइश थी कि मैंने और कुछ नहीं खाना, मुझे पकौड़े बना के दें, यहाँ पे मैंने धनिया पुदीना और सिर्फ प्याज डाले, आलू भी ख़त्म हुए हुए थे, तो जस्ट सिंपल से पकौड़ियाँ आप कह लें या फिर प्याजी, 2 प्याज़ा कह दें, जो भी है वो बनाए थे। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मेरी रूटीन कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अल्लाह हाफिज़ और फ़ी अमान अल्लाह।